हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा। मैं एक क्वालिफाइड आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स को करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वजाइना यानी कि योनि में होने वाली खुजली के बारे में, और साथ ही ट्रीटमेंट में मैं बताऊँगी आपको इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट भी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वजाइना में खुजली होना, योनि में खुजली होना, ये बहुत ही कॉमन है। आप किसी भी महिला से बात करेंगे तो उसे अपने लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। साथ ही ये 12 साल की बच्ची को भी हो सकती है या 50-60 साल की महिला को भी हो सकती है। यूँ तो वजाइना में खुजली होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है वो है वजाइना में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यीस्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। नॉर्मली जो हमारी वजाइना होती है उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कैंडिडा नाम का एक फंगस हम रहता है, वो आपको कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन क्या होता है, किसी कारण से अगर आपकी वजाइना की पीएच चेंज हो रही है या वो अनहेल्दी हो रही है, तो डेफिनेटली ये वहाँ पे आप जो फंगस होता है पूरी कॉलोनी ग्रो कर लेता है और बिल्कुल अटैक कर देता है एक तरह से। तो इसमें आपको क्या क्या सिम्टम आएंगे, एक तो आपको बहुत तेज़ खुजली करने का मन करेगा, बहुत खुजली होगी, साथ ही कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर जैसा फटाफटा डिस्चार्ज आपको महसूस होगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर जलन भी हो सकती है। तो ये सारे अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो गया है। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको वहाँ पे वजाइना की पीएच चेंज हो जा रही है, वजाइना अनहेल्दी हो जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है आपका हार्मोन इम्बैलेंस। अगर किसी भी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, यूजुअली लोगों को पीरियड के पहले और पीरियड के बाद में बहुत ज़्यादा ये खुजली होती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते, साफ सफाई नहीं रखते, कॉटन के अंडरवेयर्स पहने, आप अगर टाइट अंडरवेयर्स पहन रहे हैं जो कि कॉटन के नहीं हैं, तो वहाँ पे नमी रहेगी, पसीना रहेगा, हवा नहीं पहुँचेगी, तो ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है फंगस के लिए ग्रो करने के लिए। तो वहाँ पे फिर से उसकी ग्रोथ हो जाएगी और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा माना आपको इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन आपका जो पार्टनर है, आपने जैसे ही इंटरकोर्स किया तो आपके पार्टनर को वो इन्फेक्शन था, तो उससे वो आपको हो जाएगा, एक ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी, लो इम्यूनिटी की वजह से इन्फेक्शन आपको आसानी से हो सकता है। साथ ही अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, बहुत टाइम से एंटीबायोटिक खा रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से आपका लंबा इलाज चला हो, या आजकल डॉक्टर्स अननेसेसरी भी दे देते हैं, तो एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा ना लें, जब ज़रूरत हो हाँ आप तब लें। अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या होता है, जो वजाइना के गुड बैक्टीरियाज होते हैं लैक्टोबैसिलस, वो मर जाते हैं। जब वो मरते हैं तो यीस्ट वहाँ पे ओवरग्रोथ हो जाता है, यीस्ट का, फंगस का, तो फिर वो आपको यीस्ट इन्फेक्शन वहाँ पे फिर से हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, यानी कि बूंद बूंद करके आपको यूरिन आता रहता है, तो डेफिनेटली यूरिन वहाँ पे रहेगा और वहाँ पे आपको इन्फेक्शन का खतरा होने की पूरी संभावना रहेगी। साथ ही प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, इसकी वजह से वजाइनल पीएच जो होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यीस्ट इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण खुजली का हो सकता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारी वजाइना में गुड बैक्टीरिया रहते हैं, तो गुड बैक्टीरिया अगर कम हो जाए और बैड बैक्टीरिया यानी खतरनाक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए, तो आपको वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके क्या क्या लक्षण होंगे, एक तो आपको खुजली होगी और आपको जो डिस्चार्ज आएगा वो बहुत ही फाउल स्मेल, वो बहुत ही बदबूदार आएगा, तो ये होता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस में। इसके अलावा खुजली होने का और क्या कारण हो सकता है, एसटीडी में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में ऐसा हो सकता है, मीनोपॉजल औरतों को ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनका ईस्ट्रोजन लेवल कम होता जाता है जिसकी वजह से वजाइनल पीएच चेंज होती जाती है। साथ ही अगर आपको किसी किस्म की स्किन डिजीज़ है यानी एक्जिमा है या सोरियासिस है, तो वो खुजली होने की दूसरी वजह है। अब मैं बात कर लेती हूँ ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बता दूं, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। पहला प्रिकॉशन है कि आप वहाँ पे साफ़ सफाई रखें, आप इंटरकोर्स करें के करने के बाद भी वहाँ पे साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई के लिए आप कभी भी एंटीसेप्टिक लोशंस मत यूज़ करें। ज़्यादातर कई पेशेंट्स कहते हैं कि हम बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, एंटीसेप्टिक लोशंस यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एंटीसेप्टिक अगर आप वहाँ यूज़ करते हैं तो उससे भी वजाइना के पीएच पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। तो वजाइनल वॉश मार्केट में बहुत सारे आते हैं, लेकिन
लेकिन मैंने पहले भी नेचुरल वजाइनल वॉश पे एक वीडियो बनाया है। मेरे हिसाब से केमिकल यूज करने से अच्छा हमारे आचार्य आयुर्वेद में बता के गए हैं कि कौन सा अच्छा वहाँ के लिए हर्ब है। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे आप वहाँ से देख लें और उसे यूज करें। वो बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा क्या प्रिकॉशन लें, आप हमेशा कॉटन के अंडरवेयर पहने। साथ ही अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और उस वक्त आपको ड्राइनेस महसूस होती है तो आप लुब्रिकेंट का यूज करें। ये कुछ प्रिकॉशन आप अपनाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम मॉडर्न एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं नीचे वजाइना के लिए। वो एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटी फंगल होती हैं, इस किस्म से क्रीम होती हैं और इसमें ये एप्लीकेटर भी होता है, तो आप इसके थ्रू इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वजाइनल पेस्ट्रीज, वो भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल अवेलेबल हैं और बहुत हेल्पफुल होती हैं। 3 दिन, 7 दिन, 6 दिन की वजाइनल पेस्ट्रीज मार्केट में हैं। मेरे पास ये 3 दिन वाली है तो मैं आपको ये दिखा दूँ। इस तरीके के उसमें आपको कैप्सूल दिखेंगे, ठीक है, और साथ में आपको ये एप्लीकेटर मिलेगा। कैसे इसको करना है, सबसे पहले पीछे का अच्छे से बाहर निकाल लें, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें आगे की तरफ यहाँ पे आपको कैप्सूल रखना होता है। आप ऐसे कैप्सूल यहाँ पे रख देंगे, फिर ये वजाइना है, जैसे इस वजाइना में आपने ये डाला 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 और जब बिल्कुल अंदर पहुंच जाएं तो ये यहाँ पे आपने यू पुश कर दिया तो वो जो कैप्सूल था यहाँ पे वो निकल जाता है और अंदर रह जाता है। तो इस तरह से आप रात में यूरिन वगैरह करके डेली अच्छे से 3 दिन आप ये पेस्ट्रीज रख सकते हैं। इस दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना बनाएं अपने पार्टनर के साथ, इंटरकोर्स ना करें। आने वाले 5-6 दिन तक आप बिल्कुल इसको फॉलो करें। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा में क्या क्या है इसके लिए, आयुर्वेदा में इसको बोला है योनिकंडू और ये यूजुअली कफ डोमिनेंस, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं आयुर्वेदा में, तो हम कफ डोमिनेंस की वजह से, कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है ये मानते हैं। सबसे पहले जो मेरी एडवाइस है वो है नेचुरल वजाइनल वॉश यूज करने की। वो आपको इन्फेक्शन नहीं भी है तो आप आराम से यूज करें, लेकिन अगर आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है त्रिफला वाटर वॉश। त्रिफला वाटर वॉश कैसे बनाना है, आपको 2 चम्मच चून रात में 1.5 गिलास पानी में, बिल्कुल गर्म पानी में उसको आप भिगो दीजिए और सुबह दोहरे कपड़े से उसको अच्छे से छान लें। ये जो आपका 1.5 गिलास है ये आप पूरा दिन यूज़ करें, दिन भर में आप 2 से 3 बार वॉश करें। आप खुद देखेंगे कि जिनको इन मॉडर्न दवाइयों से आराम नहीं मिलता, आयुर्वेदा में कौन पेशेंट आता है जो बिल्कुल थक हार जाता है, जो कहता है हमने एंटीबायोटिक भी खा ली, ये खा ली, अब आप बताइए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए। तो इस त्रिफला वाटर वॉश से यकीन मानिए मैंने इतने पेशेंट ठीक करे हैं, इतने लोगों को फायदा हुआ है, तो त्रिफला वाटर वॉश को जरूर यूज करें। अब आपको लेना है सिड्स बाथ। सिड्स बाथ आप किससे लेंगे, आपको लेने हैं 20 से 25 नीम के पत्ते और दारू हल्दी यानी दारू हरिद्रा की जड़, जिसे किलमौर की जड़ भी कहते हैं, वो दारू हरिद्रा आपको आराम से मिल जाएगा जहाँ पे आयुर्वेदिक हर्ब्स रहती हूँ ऐसी शॉप पे ही मिलेगा। तो 3 से 4 इंच की आपको दारू हरिद्रा लेनी है और नीम के पत्ते जो मैंने आपको बताए, ये रात भर के लिए आप 1 लीटर गर्म पानी में इसको छोड़ दें। सुबह तक ये पानी ठंडा हो जाएगा, उसमें से नीम के पत्ते निकाल लें और दारू हरिद्रा की जड़ निकाल लें। अब इसमें आपको 1 लीटर गर्म पानी और डालना है, ये पानी कुछ गुनगुना सा हो जाएगा, इसमें बैठ के आपको सिड्स बाथ लेनी है। सिड्स बाथ कैसे लेते हैं ये आप गूगल कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट आप इसको करें। इसके अलावा आपको लेना है खदीरा रिष्ट, 20 ml खदीरा रिष्ट में 20 ml ही पानी मिलाएं और सुबह और रात के खाना खाने के बाद उसको लें। सबसे अच्छी बात है कि आप ये आयुर्वेदिक थेरेपी के साथ आप वजाइनल पेस्ट्रीज और वजाइनल क्रीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वो पूरी तरह से हेल्पफुल हैं, किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक और ख़ास बात कि हमेशा आप खुद का ही ट्रीटमेंट लेती हैं और बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक कारण हो सकता है कि आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो। कई बार आदमियों में प्रॉब्लम होती है, उनके सीमेन में ये सब होता है, इन्फेक्शन होता है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप हमेशा अपने पार्टनर को लेके जाएं और दोनों लोग ट्रीटमेंट लें अगर आपको बार बार ऐसा होता है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।